आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए था वो अमल और पीस का होना चाहिए था, अब ये हो गया है तो ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही. सो बट इन दिस डे इन दिस एज यू नो आई थिंक कि अगर प्यार मोहब्बत अमल से रहे तो बेटर होता सबके लिए, मगर उरी के बाद स्पेशली आम आदमी के लिए. मगर उरी के बाद क्या आप मानते नहीं है प्रॉपर एक्शन था? हाँ वही मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट थे ना, तो प्रॉपर एक्शन था. कुछ कलाकारों के लिए भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं. ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है, वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है. आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा, वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है. You have to say for your own people, for the surgical strike soldiers के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो हमारी तरफ से एक कदम उठाया है इंडियन आर्मी ने, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी वी वेरी प्राउड. इन फैक्ट ये बहुत पहले करना चाहिए था हमें. LOC की बात कर रहे हो आप, वो जो स्पेसिफिक टारगेटेड ये हुआ, आई थिंक इट वॉज इट्स हाई टाइम वी रिस्पॉन्ड टू टेररिज्म. एज अ कंट्री हम लोग बहुत ही टॉलरेंट है एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम वी पुट अ फुट डाउन एंड वी शो व्हाट इंडिया कैन डू. यही कहना चाहेंगे, फर्स्टली थैंक यू कहना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है. एंड लाइक जॉन सेड अर्लियर, दिस वाज द नीड ऑफ द आवर. वी हैव टू डील विद टेररिज्म एंड आई एम रियली हैप्पी दैट फाइनली इट्स हैपनिंग. एंड यू नो वी ऑल एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, एज पीपल हु लिव हियर एंड हु लव आवर कंट्री, वी आर ऑल वेरी वेरी थैंकफुल टू देम. सोनाक्षी, अ क्वेश्चन टू यू टू हियर टुवर्ड्स योर लेफ्ट. या this movie is somewhere down the line a tribute to all those brave soldiers who have laid their lives down for India. You know, every time there is a cross-border terrorism attack happening and when soldiers lose their lives, we see a lot of statement of sympathy condemning those attacks from our own artists, but none from the Pakistani artists. So that has always been a bone of contention. Recently, Subhash Chandra Ji of Z said that he requested those Pakistani artists to condemn the attack without naming Pakistan, but they refused. So in this case, I mean, how do you look at it? Isn't that unfair on their part? So if I have to answer it, I just think it's important about what we do. We are not in a position to opinionate about what the others do or don't do. So we can only speak for ourselves. Sonakshi can speak for whether she goes through the emotion, whether I go through the emotion, and what we express is solely our opinion. And I'm just very fortunate to be a part of the film industry because I think we really go out there and we express our solidarity with not only our country, but with our soldiers who I again say on record are the true heroes of this country. Sonakshi, your point? Yeah, no, I agree. I mean, whether it gets carried forward or doesn't get carried forward, whether it's reaching us or not reaching us, we don't know. So we can only speak for ourselves and, do our job, which is to stand by our own people. So that is what we are doing. See, the thing is that... right now we are very overwhelmed with the loss of our soldiers, right, our jawans and our sons. So the country is mourning in that grief, and it's very hard to be objective right now. But we hope the love and art prevails. But right now we can't expect people to be objective when such a big loss we have to deal with, right? थैंक यू सो मच. पाकिस्तानी एक्ट्रेस को भारत छोड़ने की बात कही जा रही है एमएनएस के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? ये आई हैव नो आइडिया ऑफ दिस थिंग. नहीं, पर मतलब जो जो भी एक्टर्स हैं तो उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट्स आर लाइक सॉफ्ट टारगेट्स. तो सबसे पहले आर्टिस्ट ही टारगेट होते हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट. क्या यू नो कॉन्सेंट्रेशन कहीं और है, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन टू इट. इफ़ दिस वॉज अ सोल्यूशन देन फेयर इनफ, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
अक्षर कृष्णा। लोग ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर को जो है हमारे मुंबई से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से टेररिज्म की प्रॉब्लम, आप एक कलाकार हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप कैसे देखती हैं इन सारी चीज़ों को, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप पर? वेल, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि यू नो यू डोंट, हम कभी भी किसी भी जरिए से डिवाइड बढ़ाना नहीं चाहते। आई थिंक आई एज अ ह्यूमन बींग फर्स्टली देन एन इंडियन वुड ओनली वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑलवेज हैप्पी और बेटर इन वॉट एवर सिचुएशन। सो आई जस्ट फील लाइक हमें, आई डोंट वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू डिवाइडिंग, आई रादर कॉन्ट्रीब्यूट टू यू नो ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड पीस एंड यू नो एवरीथिंग नाइस, बिकॉज एट द एंड वी आर ऑल पीपल, राइट, वी आर ऑल ह्यूमंस। जैसे कि आर्ट, कला जो है एक यूनिवर्सल होता है, किसी देश या फिर किसी नेशनैलिटी से जुड़ा नहीं होता। आजकल जिस तरह से जो खबरें आ रही है, जैसे कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर हो या हिंदुस्तानी आर्टिस्ट को लेकर हो, इस पर आपका क्या ओपिनियन है सर? नहीं, ओपिनियन इसमें मेरा ओपिनियन जो हो उसमें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये रियल प्रॉब्लम है, ये कभी भी जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं पाकिस्तान पीछे से घुस घुस के जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो बाकी लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, जो आर्टिस्ट भी हैं। जी, अब आर्टिस्ट थोड़ी वहाँ घुस के ये सब काम कर रहा है, बट उस आग में, उस लपट में वो भी आ जाता है। अब मैं कहूँ नहीं, इसमें आर्टिस्ट को बाहर रखना चाहिए, उसको आर्टिस्ट, ये कुछ नहीं है कि हाउ कैन यू इन्वॉल्व द आर्टिस्ट, बट अगर आप बड़ा वाला नज़रिया देखें कि माओ ने अपने बच्चे खोए, बहनों ने अपने भाई खोए, एक घर में जो एक कमाता था, जैसे दो तीन चार बच्चे हैं, वो जल भुन गया वहाँ कैंप में, तो एक गुस्सा तो आएगा देश को, और वो गुस्सा कहीं तो निकलेगा, चाहे कुछ भी बोलो आप। हाँ, बिल्कुल सही है कि मतलब ये इसमें आर्टिस्ट लोगों को मत घसीटो, इसको नहीं घसीटो, बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है कहीं भी दुनिया में, तो ये तनाव बनता ही है, और जो पीस लविंग लोग हैं उन पे आके पड़ती ही है बात, तो हमें करना क्या है? मैं ये भी नहीं बोलूँगा फिलॉसफी एक प्यार का हाईवे बनाना है, ये सारी बातें हो चुकी हैं, और ये आगे मेरे ख्याल से इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये सारी ख्वाबी बातें हैं। हमें करना क्या है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप पैदा करना है, एक आर्थिक आर्थिक और एक सामाजिक रिलेशनशिप ऐसा पैदा करना है, क्योंकि आज के ज़माने की सबसे बड़ी सच्चाई जो है वो आर्थिक है, इसको एक सोशियो पॉलिटिकल तो है, वो तो है ही, वो नंबर वन है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी बहुत है। तो अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक फ्लरिशिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप बन जाए, तो ये जो नफ़रत की खाई है हम इन्हें अपने बच्चों से नहीं भरेंगे, शायद ये काम धंधे से होगा, तो लोगों को लगेगा हम ऐसा कर क्यों रहे, और वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक ज़माना था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, खून के प्यासे थे लोग यूरोप में एक दूसरे के, जर्मनी पोलैंड ले लो, जर्मनी फ्रांस ले लो, इंग्लैंड इटली ले लो, एक एलाइस थे और एक वो थे, मतलब दोनों बढ़ गए थे, दो अलग ग्रुप, और 60 70 80 साल तक लड़ाइयाँ। और आज का ज़माना देखो आप, कि एक एक ही करेंसी है, एक ही नेशन है, जिसको बोलते हैं यूरो, यूरो करेंसी है, वही चलती है, और वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है किसी का, आप एक देश में घुस जाओ फिर आप वहाँ से कहीं भी जा सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर लोगों में खुशियाँ एंड में परेशान कौन होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबसे पहले होती है औरतों को और बच्चों को, और फिर एक समाज को, एक मिडिल क्लास आदमी को, लोअर मिडिल क्लास आदमी को, गरीब आदमी को। अमीर को कोई परेशानी हो रही है मुझे बता दो, हिंदुस्तान के किसी अमीर को या पाकिस्तान के किसी अमीर को इतना सा भी फ़र्क पड़ा नहीं। किसको फ़र्क पड़ता है? जो आम आदमी जो बॉर्डर में रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, उन सबको फ़र्क पड़ता है। तो ये हमें, जब तक हम इकोनॉमिकली इसको टर्न अराउंड नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से इसका सुझाव, इसका कोई हल होने वाला नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं जो आर्थिक जो तनाव है, सामाजिक तनाव है, ये कम हो धीरे धीरे। उम्मीद से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उम्मीद वाली बात अब खत्म हो गई, उम्मीद हम कुछ 60-70 साल से कर रहे हैं, राइट।
और इट्स अ हाई टाइम, आपको लगता है ना हाई टाइम इट्स? नो, आई थिंक इट इज़ द करेक्ट टाइम बिकॉज अब मैं हिंदुस्तान अपने ही देश में जात पात के नाम पे, रिलीजियस इंटॉलरेंस के नाम पे इतना मतलब हम वोट ही ऐसे लेते हैं और देते हैं, तो फिर हम बाहर वाले को क्या बोलें? पहले अपना घर तो सुधार। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। जिस तरह के भारत में हालात चल रहे हैं उसमें बहुत कंडीशन आ गई है, आपका क्या ठीक है? मुझे लगता है वॉर होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए। हम सर्टेनली हम बाकी चीज़ों पे देयर इज मोर थिंग्स टू स्पेंड ऑन लाइक हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पर माहौल दुखद है बहुत। मुझे तकलीफ हुई सुन के कि सोते हुए सैनिकों पे हमला हुआ, बहुत ही एक कावर्डली एक्ट लगा मुझे, बहुत तकलीफ हुई सुन के, और उन फैमिलीज़ के लिए बहुत तकलीफ़ हुई जिन्होंने अपने जवान घर के आदमी इस तरह से खो दिए। अच्छा, उस पर अगर बात हो तो क्रिएटिविटी में आजकल ये हो रहा है, सुभाष चंद्रा जी ने दी के जो ओनर है उन्होंने ये कहा कि अब जिंदगी के जितने भी पाकिस्तानी सीरियल साइन है वो बंद कर दिए जाए, क्या आप चाहते हैं कलाकारों के साथ भी ऐसा हो? नहीं, अगर आप मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए, कोई देगा गारंटी? लेकिन अगर भारत रेवेन्यू जनरेट करा रहा है किसी कलाकारों को तो कम से कम उनको भी तो सर, वो भी हमें रेवेन्यू जनरेट कराते हैं, हमारा सॉल्ट और शुगर वहाँ इम्पोर्ट होता है, हमारे किसानों को फ़ायदा होता है, बात ये नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट है और टेररिज्म है तो गवर्नमेंट को पॉलिटिकल लेवल पर अपना काम करने दीजिए, उनको पता है उन्हें क्या करना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने सशक्त हैं, सेना भी इतनी सशक्त है कि वो ये कदम उठा सकते हैं, इसमें कलाकारों को जोड़ना मुझे नहीं लगता उससे कुछ फ़ायदा होगा। ऐ दिले मुश्किल और रईस, इसका भी MNS ने ऋचा बोला है कि हम रिलीज़ नहीं होने देंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है क्योंकि इसमें पाकिस्तानी कलाकार हैं? अब तो इस चीज़ से फिल्में कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही हैं, तो आपका इस पर क्या टेक होगा? अफेक्ट मुझे नहीं लगता कि होंगी अफेक्ट, जब मैं चाहूँगी कि तब तक कोई एक पीसफुल सॉल्यूशन निकल जाए। जैसा कि मैंने कहा कि कलाकारों को इससे दूर रखना चाहिए क्योंकि कलाकार कभी मारपीट और कत्लेआम की बात नहीं करते, गाने गाते हैं, पीस के गाना गाते हैं। और आप कई आप गाने सुनिए, पाकिस्तानी कई कोक स्टूडियो के एक्टर्स आर्टिस्ट हैं जो गाने गाते हैं, उनमें हमारे देश की कविताएं खड़ी बोली के भजन गाते हैं वो लोग, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी कलाकार ये सोच के गाते हैं कि हम अबीदा परवीन या इस तरह के कलाकार कभी ये सोच के नहीं गाते कि कत्लेआम हो। मुझे लगता है कि ज़रूर जिन्होंने ऐसा किया उनके साथ कड़ी तौर पे पेश आना चाहिए, पर आप और मैं लड़ाई नहीं करते, उसी तरह कलाकार भी आम इंसान होते हैं, उनको लड़ाई पसंद नहीं होती। आप जहाँ तक हिंदुस्तान को डिफेंड करने का सवाल है और जहाँ तक आपकी जो टेरिटरी है उस पर अगर कोई हमला बोले तो उसका जवाब देना, मैं और इंडस्ट्री के सारे लोग उसको बहुत ही सही मानते हैं और हम पूरी तरह से सरकार के इस जवाब के साथ हैं। ये कोई बात ही नहीं हुई, हम ये चाहते होंगे कि प्यार हो, भाईचारा हो, हम लोग एक साथ बैठें, आर्थिक प्रगति हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, लेकिन अगर नहीं होगा और सामने से कुछ प्रहार होगा तो उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे तो नहीं है, तो एक तो फिर कायरता हुई अगर नहीं दिया जवाब तो। अगर जवाब, मैं आर्मी का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन बहुत बहुत सही है, अगर हमने कोई स्ट्राइक की है और आपने कोई प्रीएम्प्ट किया है कुछ जो हो सकता था, जो मुमकिन हो सकता था, अगर कोई कैंप है जो यहाँ पे
हमला बोलने वाले थे और अगर उनको आपने रोक लिया और आपने पहले ही उन पे धावा बोल दिया तो बहुत सराहना करूँगा। जी हाँ, आई थिंक इट वॉज अबाउट टाइम दैट आवर गवर्नमेंट रोल्ड अप देयर सॉक्स ऑन दिस मैटर। आई थिंक टेररिज्म इज नॉट समथिंग दैट शुड हैव बीन टेकन नॉट लाइटली, देयर नॉट बीन टेकिंग इट लाइटली ऑफ कोर्स, बट वी हैव नॉट बीन सो अग्रेसिव इन आवर अप्रोच। We've not actually ever been in attack mode. We've always been on the back foot. We've always been the ones defending ourselves. I'm glad that the government has taken such a step, because what happened with our jawans jo shaheed hue hain hamare liye border pe without knowing sote waqt, not taken by us being Indians. I am extremely patriotic, and for me my country, my motherland is everything, and when something like that happens I think unko जवाब मिल जाना चाहिए, और अब मिला है तो वेरी गुड। सुनील सर, बट डू यू फील दैट द बैनिंग ऑफ एक्टर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री कैन बी नेगेटिव दिस थिंग फॉर दिस? सी, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट आई थिंक कल्चर इज सी, आई मीन यू कैन नॉट होल्ड एन अमेरिकन एक्टर फॉर इंस्टेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट, राइट? यू कैन नॉट, देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स हू डिसेंट, राइट? That those artists should also speak against wrongs in their own country is also a valid point. There's a validity that they should also say, just as we talk of peace, they should also talk of peace, right? So I mean, I think, for example, so many people have worked with Nusrat Sahab, right? Who's, I mean, amazing musician. So and so if there is an actor who a director wants to cast who suits his part, and if he is culturally right and suits the part, I think it'd be good if these kind of exchanges stay on. It's also very good that our films release in the neighboring country, which is specifically Pakistan, and in Sri Lanka, and in Philippines, and in Korea, and in China. For example, the business of PK in China is huge, so it's opening up a whole market, and a point of view of India also. What is, I mean, the Hindi film industry and the Indian film industry is a cultural ambassador. So it presents the genius, the cultural diversity, the ability, the stories of India, and therefore, in a sense, like the American cinema promotes. A lot of American stuff. Therefore, Indians are cultural ambassadors, and I think it's wonderful that our films are shown everywhere. And I think if that conversation continues, it's good, right? That said, I mean, if there is attacks, we are all with the Indian government. You know, there's no question. It's not even a. I mean, so a lot of people will say, why don't you speak? The fact we are Indian, we speak, we are always, the industry has always stood by, and we are always, but I mean, we personally, an artist's desire is for peace. That's your desire as an artist. An artist's desire is for understanding, right? An artist's desire is for a resolution of conflict. Right. So that is an artist's desire, but if there are, you know, it's not as simple as that, and if there's a problem, then, you know, you are of course with the government, and to defend our land is absolutely of primary importance. Thank you so much. Pakistani actor, jo artist hai jinko bola gaya hai, uske bare mein aapka kya kehna hai? I'm not for dhamkis and all that. Artists hote hain, aur you cannot mix, you know, the two things. I don't think ki mujhe is mudde par kuch kehna hai, but main ye zarur kehna chahungi that I don't think we should categorically you know, be against or say something against somebody from the industry or artist just because they are, you know, soft targets, and it's easy for us to
यू नो से समथिंग अबाउट देम, क्योंकि वो मीडिया में है तो मैं उन लोगों के बारे में, एक्चुअली उन लोगों ने एक्चुअली तो कुछ किया नहीं है, जिन लोगों ने किया है, जो टेररिस्ट हैं, सारे पाकिस्तानी तो टेररिस्ट नहीं हैं, जो हैं उनको जवाब मिलना चाहिए. टेररिज्म शुड स्टॉप. आई एम नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म. सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? मुझे उम्मीद थी ऐसा कुछ होगा. इफ आई कैन रीड मोदीज माइंड, आई न्यू ही विल डू समथिंग लाइक दिस. इस दुनिया में इसराइल डज सर्जिकल स्ट्राइक्स, अमेरिका डिड सर्जिकल स्ट्राइक, एंड आई परहैप्स वी आर द सेकेंड और द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड वी हैव डन इट. ये बहुत ही प्रिसीशन का काम है, इतना ज़्यादा प्रिसीशन का काम है जो बहुत कम मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ में. कल जो रात को हुआ है हिंदुस्तान में, मैं इनसे कह रहा था आज बहुत मुबारक और बहुत अच्छा दिन है आपके लिए कि इतने अच्छे दिन आपकी बुक लॉन्च हो रही है, और बहुत मैं तो बहुत गर्व की बात है. करीब 40-50 टेररिस्ट लोगों को उड़ा दिया गया है, 6-7 कैंप्स उड़ा दिए हैं, बहुत बड़ी बात है. एक बात है जो पाकिस्तान एक्टर को बैन करने की मांग लगातार की जा रही है, इसमें कई बॉलीवुड के लोग. एक बार बताओ ये किस चीज़ का फंक्शन हो रहा है यहाँ? किसने किस चीज़ का फंक्शन हो रहा है? हाँ, लेकिन नहीं नहीं किसी चीज़ का देश की है, इसलिए पाकिस्तान एक्टर कंडेम नहीं करते टेररिस्ट. देखिए ऐसा है, देश देखिए हम वसुधैव, देखिए मैं आप जानते हैं मेरा नेचर, मैं सीधी बात करता हूँ. हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं. हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम खुद नीचे सो जाते हैं, उसे ऊपर सुनाते हैं. मैं इन सब चीज़ों पर बहुत विश्वास करता हूँ, और मैं कल्चरली भी और आत्मा से इन चीज़ों को मानता हूँ कि कोई बाहर से आया है उसका स्वागत करना चाहिए, वो हमारा मेहमान है, उसको पूरी इज्जत देनी चाहिए, ख़ास तौर पे अगर वो कवि या गायक या एक्टर है तो. लेकिन अभी वो सब ठीक है, लेकिन अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक वॉरलाइक सिचुएशन है, और जब झगड़ा होता है, वॉरलाइक सिचुएशन होती है, तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं कह देना कि उतने वक्त के लिए आप अपने देश वापस चले जाइए, जब हालात सुधरेंगे और आप टेररिस्ट अटैक करना बंद कर देंगे, जब हम दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे, तभी कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है. और कल्चरल एक्सचेंज का मतलब है कुछ आपने दिया कुछ हमने लिया, है ना, आदान प्रदान को एक्सचेंज कहते हैं. ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके यहाँ से लोग आते रहे हमारे से कोई ना जा पाए, वो भी गलत है ना, तो उसको तो मैं अग्री नहीं करता हूँ. और तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट होने के नाते, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे चीन के हों, चाहे कहीं के भी हों, इंडिया में जो टेररिस्ट अटैक हुए, मैं दिल से चाहता हूँ कि जितने हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, उन लोगों को पब्लिकली खड़े होकर उसको कंडेम करना चाहिए, तो उससे उनकी इज्जत भी बढ़ेगी और उससे हम दो देशों के बीच में तनाव भी थोड़ा कम होगा. उसके बाद वो पाकिस्तान में एंट्री कर पाएंगे, उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है. वो भी तो एक लॉजिक, अब अगर यहाँ से कमा रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि वो क्यों जा रहे हैं वापस. चलिए संदीप जी, आप बताइए आपका क्या है? और सर यहाँ पे भारत में एक पॉलिटिकल मुंबई महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टी है, उसने कहा कि पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए, वो यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, तो उस पर आप क्या विचार रखते हैं? जी मनते कि भारत पाकिस्तानी कलाकार नहीं भारत काम करूँ नहीं, ऐसा है कलाकार का रिश्ता अलग होता है. कलाकार ये कलाकार होते हैं, एक आदमी किसी देश का है कहाँ का है, लेकिन उसका कला का दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलते रहते हैं. लड़ाई और कला, इसमें थोड़ा फर्क करना चाहिए. जो कला है वो कला ही रहनी चाहिए. हाँ, मैंने जो कहा कि अगर नहीं बाज जाते तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार रहूँगा कि 79 साल के इसमें, लेकिन कला जो है ना, कला के बारे में हम नफरत नहीं करना चाहिए. अन्ना जी, आपने कहा कला को लेकर नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर भारत में आकर पाकिस्तानी कलाकार पैसा कमा रहे हैं तो कम से कम पाकिस्तान को भी लिबरल होना चाहिए, उनके लोगों को भी लिबरल होना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान उनके लोगों को रेवेन्यू जनरेट करा रहा है. तो आपसी रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों तरफ से अच्छाइयाँ होती हैं. वो अच्छाइयाँ नहीं कर रहे तो हम क्यों करें? नहीं, अगर कला है, कलाकार है या कला है, वो हमारे देश में आकर गलत रास्ते से जा रहा है तो फिर हमें सहन नहीं होगा. उसकी कला का दुरुपयोग होता होगा, समाज के लिए नुकसान होता होगा, राज्य के लिए नुकसान होता होगा, देश के लिए नुकसान होता होगा, तो हमें मंजूर नहीं, फिर वो मंजूर नहीं है.